निश्चित भाव यह एक बलिष्ठ पदक्षेप। विद्यालय गुड़िक प्लस टू आड करदे आमर जो देखा जाए केन्दुझर भाई जोड़ाक आदिवासी अधिकृत अंचल सब रही झील मैंने प्रायत इच्छा करते मुरब मैंने भी इच्छा करते बाहर को जाकर पाठ पढ़ा कारण से आडजस्टमेंट से न थाए सहर जाडजस्ट करवा कष्ट विभिन्न जगह को कम्युनिकेशन असुविधा जो जापारे इच्छा शक्ति अभाव रहे जहाँफल गाँव में जो विद्यालय गुड़िक खोली जो हाईस्कल रही है जब आम प्लस टू खोल से छोट छोट पिला माने जो झील पिला माने विशेष कर जो माने जाई पारंती नहीं जो माने साइकिल बहुत दूर को जाकर पाठ पढ़ा संभव हुए ना एथिपी सुविधा हम से मानी से माने निज विद्यालय पढ़ुते आउ टे ऊपर को जाकर प्लस टू क्लास पढ़ी पारे एवं प्रायत तो नारी शिक्षार प्रभाव विस्तार पर आजिकल सरकार विभिन्न योजना करोटे अभिनव योजना आमर जो गाँव गुड़िक रही आम केन्दुझर जिले में विशेष भाव देखा गले बहुत दूर दूरांतर पाने आसते पाठ पढ़ापी तेणु से मू बहु असुविधार सम्मुखीन करवा हुए आर्थिक दृष्टि हो मानसिक दृष्टि हो शारीरिक दृष्टि से मानकर सुरक्षा दृष्टि हो सब संभवपर हो पारे ना पाखे आग को जाकि पढ़ापी यहाद्वारा निश्चित भाव से लाभवान हे और पढ़वार सुजोग पाई। आज सरकार जो निष्पत्ति नहीं एक स्वागत योग्य पदक्षेप। आम दशम श्रेणी पर्यंत स्कूल पढ़ी पार्लु जदि प्लस टू आम स्कूल जोग करपा माँ बहुत टेंशन फ्री हे आम हूँ चाषी घर छुआ आम जदि बहु दूर दूरांतर कॉलेज को पाठ पढ़ाक जीवु आम बहुत बाटर हईराण होबु आपा माँ भी आमको बहुत चिंतार थे आम के आसबू केत कौन करते कौन करूँ से आम जदि आम स्कूल जदि दशम श्रेणी पर आम प्लस टू मिसब तेबे आम बहुत सुविधा पाई आम ए बहुत उपकृत होबु मन दे पाठ पढ़ू तेणु आम बहुत खुशी भी होबु। मु सरकारी बालिका उच्च विद्यालय केशोदरपाल स्कूल रे पढ़ुची। आज सरकार जो पदक्षेप नहीं एक स्वागत योग्य पदक्षेप। दशम पर जदि से स्कूल रे प्लस टू जोग कर तेबे आम और आम बापा माँ अधिक खुशी खुशी हेबू कारण कारण आम कॉलेज रे कॉलेज को अधिक बाट कॉलेज जीवाई पड़ी था जहाँफल कि बापा माँ मैंने अधिक चिंतागत होता कि आम जेहेतु आम झी कारण मो झी के फेर कौन अधिक चिंतागत होता जदि आम प्लस टू दशम श्रेणी पर जोग कर बापा माँ चिंतामुक्त हे आम 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 असुविधार मुक्ति पाइबू से आम बापा माँ मध्य चाषी आम चाषी घर छुआ आम बापा माँ खर्चांत मुक्ति पाइबे आम जदि जामको पिला टॉर्चर कर कौन हम आम से मुक्ति हो।